क्या आप बढ़ते वजन और मोटापे से परेशान हैं? क्या आप बिजी शेड्यूल के चलते अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्चुअल ऑनलाइन फिटनेस क्लब, वो भी 7 दिन की फ्री ट्रायल के साथ, जिसमें आप अपने मनचाहा वजन घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इन एक्सरसाइज के माध्यम से आप सीख सकते हैं जीवन भर स्वस्थ रहने की कला, बिना दवाइयाँ, बिना साइड इफेक्ट के वजन घटाना या बढ़ाना, ब्लड प्रेशर व शुगर को सही रखने, हार्ट हेल्थ और पाचन क्रिया को सही रखने, जॉइंट हेल्थ, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास में उत्तम कला सीखने के लिए हमें संपर्क करें। साई विठल लॉन के सामने, संतोषी माता वार्ड, पांडुर्ना। इस समाचार के प्रायोजक है जानवी स्टील फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू और ऑफिस के लिए ब्रांडेड वस्तुओं के एकमात्र विक्रेता। स्मार्ट लोगों की पसंद, फ्रेश मार्ट, किराना जनरल स्टोर। शहर की बंसोड़ कॉलोनी में 25 साल से मकान बनाकर रह रहे परिवारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अब तक सड़क नाली की मांग पूरी नहीं होने की जानकारी दी। रहवासियों ने इस मांग को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। यहां रहने वाले जीके सांडे, आरजी कालवांडे, रमेश उमाजी धारपुरे, विठल भांगे, राजू झलके, पंचानिक वालके, नामदेव कालवांडे, रमेश गड़ेकर, अविनाश डफरे, सुशील खराटे आदि ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में बताया कि हमारे वार्ड में वोट मांगने के लिए नेता आते हैं और निर्माण करने का वादा करके जाते हैं, लेकिन 25 सालों से हमारे यहाँ न तो सड़क बन पाई और न नाली। सड़क के नाम पर मुर्रम डाल दी जाती है, जो कि अब हमारे मकानों से भी सड़क ऊंची हो गई है। इससे पानी भरने की समस्या पैदा हो गई है, इसीलिए हमारी मांग को पूरा किया जाना आवश्यक है। रहवासियों ने बताया कि हमारी मांग को शीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो कॉलोनी में चुनाव का विरोध करेंगे और पूरी कॉलोनी मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। हम बंसोड़ कॉलोनी के रोड नहीं बने, 22 साल हो गए। हाँ, तो रोड नहीं बने, वो समस्या है हमारी जी। हमारे 80 मीटर के 5-6 रोड है, वो रोड बनना चाहिए जी। बंसोड़ कॉलोनी विकसित हुए तो वर्षों हो चुके हैं। वर्ष और अब तक बिना सड़कों के आप लोग रह रहे थे। मजबूर हम थे, बरसात में पूरी गंदगी हो जाती है, रोड कीचड़ से भर जाता है, गाड़ियाँ स्लिप होती है। तो कहीं ना कहीं आप, ये जो सरकारें आते जाते रहती, इन लोगों का भी सबको संपर्क साधा, किसी ने भी, नगर पालिका ने भी हाथ ऊंचा कर दिया। हाँ, कोई बनाने को तैयार नहीं, बोलते आपकी अवैध कॉलोनी, हम रोड नहीं बनाते। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्या? चुनाव का बहिष्कार 15 दिन बाद हमारे, वो कार्रवाई करेंगे, बैनर लगाएंगे, वोट डालने नहीं जाएगा ना, वोट मांगने भी कोई नहीं आएगा। अच्छा, किसी को आप लोग प्रवेश नहीं देंगे? नहीं। प्रतिबंधित बीज के बिक्री की जांच करने जिले से कृषि विभाग के दल ने औचक निरीक्षण किया। दल में सौसर SDO और प्रभारी उपसंचालक कृषि विभाग दीपक चौरसिया, छिंदवाड़ा SDO MK पटवारी ने शहर की 9 कृषि केंद्रों की जांच की। इस दौरान दुकानों का स्टॉक रजिस्टर, गोदाम में उपलब्ध खाद बीज के पैकेट सहित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की जाँच समेत स्त्रोत प्रमाण पत्र के आधार पर गोदामीकरण की जाँच की। दीपक चौरसिया ने बताया कि शहर की राजगुरु कृषि केंद्र नाहर फर्टिलाइजर्स, नर्मदा एग्रो एजेंसी, पवार बीज भंडार, कालमांडे कृषि केंद्र, शिवम एग्रो और पवार कृषि केंद्र की जांच की गई। इस दौरान कहीं पर भी अनियमितता सामने नहीं आई। आज जांच टीम जो आई थी वो काय के लिए? मीडिया में प्रकाशित जो समाचार पत्रों में जो न्यूज छपी थी, उसके संबंध में जिला लेवल से टीम गठित की गई। उसमें 2 अधिकारी आए थे, दोनों SDO थे, चौकीदार साहब थे और भगवान साहब थे, दोनों आए थे। उनके संयुक्त प्रावधान में हमने 7-8 दुकानों का निरीक्षण किया। 92 दुकान तो एक दिन में करना संभव नहीं है, उनको भी अर्जेंट जाना था, वो चुनाव का कार्य है, इसलिए वो चले। इसलिए हमने उनका रिकॉर्ड पूरा देखा, कहाँ कभी मिली उसको बताया कि भैया आपने ये किसान डिजाइन क्यों करवाया, किस रूप में वो उसको हमने नोटिस दिया। वो हमने बोर्डों को भी फोटोग्राफ्स लिए, उनको पूरे ध्यान मिल गया दुकान की, ऐसा कुछ मिला नहीं। अधिकारियों ने उक्त कृषि केंद्रों सहित पूरे पांडुर्ना के कृषि केंद्र संचालकों को अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।